বিয়ৌ তেরা মন্দিরে নগরে দারি দিনিয়া পানি জেরি हिमाचल प्रदेश एक ऐसी भूमि है जिसे कुदरत ने अपने हाथों से सजाया और निखारा है, जहां ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ से लेकर ज़मीन पर रंगीन संस्कृति मौजूद है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पूरन, स्वागत आप सभी का नारायणवाण गांव पार्ट टू में। और आज हम आपको इस प्रदेश की रंगीन संस्कृति की एक झलक अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये माता भगवती का मंदिर है और उसके ठीक पीछे है ठाकुर देवेंद्र प्रताप जी का घर, जहां हम कल रात रुके हुए थे। और उसके ठीक सामने जो जंगल है उसमें बर्फ़ पड़ी हुई है। और ये हैं हिमाचली घर, जो लकड़ी, पत्थर और टाइल्स के बने होते हैं। ये 2014 की बात है, तो सबसे पहले हमने इसमें जो पत्थर का काम किया, तो हमारा ये फाउंडेशन था इसका। फिर फाउंडेशन के बाद हमने इसका लकड़ी स्टॉक किया। इसका लकड़ी का जो था एक बड़ा, बहुत ही बड़ा स्टॉक था कि मतलब हमारे को इकट्ठे करना मुश्किल था ये। फिर इसके बाद और भी बड़ी मुश्किल ये थी कि इसको हमने डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन क्या करना है, कैसे करना है, और इसमें जो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, बड़ा महंगा काम है ये। तो इसको पूरा करते करते हमारे को 5-6 साल लग गए। फिर 6 साल के बाद ये 9 दिसंबर 2018 की बात है, फिर इसका हमारे प्रतिष्ठा हुआ। प्रतिष्ठा मतलब कि एक तरह से इसका समापन हो गया एक तरह से, और हमने इसको समर्पित कर दिया माता के लिए। ये जी एक काष्ठकुनी शैली का है। काष्ठकुनी हमारे होते हैं कि एज टू एज जो लकड़, एक तरह से लकड़ लकड़ का ही जोड़ होता है, और उसमें बीच में छोटे छोटे पत्थर डलते हैं ताकि इसमें पकायत रहे, एक तरह से पकड़ अच्छी रहे। और ये इनको बोल सकते हैं कि ये भूकंपरोधी भी होते हैं और तूफान हवा में भी ये टिक जाते हैं। इनमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है और कई तरह की स्पेशलिटीज़ होती हैं इसमें काष्ठकुनी में, और इनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है, ये हज़ारों साल टिक जाते हैं। तो इसको बनाने में जीवानंद जी और उनके 3 लड़के हैं और कुछ उनके साथी थे, 4-6 साथी अलग थे, तो ये उनका भी काफ़ी योगदान था इसमें, काफ़ी हमारा मेल मिलाप अच्छा रहा। ये जी हमारा ग्राउंड फ्लोर है, इसमें हमारे माता का जो सामान रहता है, जैसे कोई हमारे लंगर वगैरह में जो हमारे बर्तन वगैरह इस्तेमाल होते हैं, कुछ और तरह के हमारे माता के वाद्य यंत्र वगैरह रहते हैं, तो जो फर्स्ट स्टोरी हमारी इस पे रहता है, हमारे हमारे जो कमेटी मीटिंग जो होती है वो सब होती है फर्स्ट फ्लोर पे। और कुछ हमारे कार्यक्रम अपने जो लोगों के होते हैं, जैसे कीर्तन होता है, कुछ और तरह की कोई भी गतिविधि होती है जो इंसानों की, वो हमारे फर्स्ट फ्लोर पे होती है। तो सेकंड फ्लोर पे माता बैठती है, और माता के जितना भी माता के मुख मोहरे वगैरह हैं और कुछ उनके जैसे भी कुछ विशेष तरह के जो इनको क्या बोलेंगे आभूषण वगैरह होते हैं, ये भी उसी मंजिल में रखते हैं हम लोग। फिर जो हमारा ऊपर का स्टोरी है, इस पे हैं हमारे जोगणी। जोगणी बोलते हम कि ये एक तरह की शक्तियाँ होती है, तो ये शक्तियाँ जो होती है इनको हम सबसे टॉप पे रखते हैं। और वो जो फ्लोर होता है ये एकदम बंद होता है, यहाँ पे पुजारी महीने में एक आधी बार जाता है। ये बड़ी शांत किस्म की होती है, मतलब लोगों से ज़्यादा मेल मिलाप पसंद नहीं करती, इस तरह की कहावतें हैं। दे
देश भर में आपने कितने भव्य और विशाल मंदिर देखे होंगे, जब आप इनको देखते हैं तो इनकी कलाकृतियां, इनकी विशालता को देखकर तारीफ करते हुए नहीं थकते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन मंदिरों को निर्माण के पीछे जिन देव शिल्पियों का जो भूमिका रहती है, जो इनका प्रयास रहता है, उसके बारे में क्या अभी जानने की कोशिश की? आज हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो देव शिल्पी के नाम से जाने जाते हैं। सर, आपका नाम? हाँ जी सर, मेरा नाम संसार चंद है। सर, आप इन मंदिरों के निर्माण को, जो अपनी कला को किस तरह से देखते हैं? हाँ जी पूर्ण जी, सबसे पहले आपका यहाँ का धन्यवाद जो हमारे आप क्षेत्र में आए। तो यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के मंदिर जो आप देश विदेश में दिखा रहे हैं। सर, इस मंदिर को बनाने में आपने जो सीखा, ये कार्य ये कहाँ से आप तक पहुँचा? ये कार्य मैंने अपने पिताजी से सीखा और मेरे पिताजी ने अपने पिताजी से सीखा, यानी कि हमारे दादाजी से, और दादाजी ने हमारे परदादाजी से सीखा। ये काम हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चला है। सर, क्या क्या परेशानियाँ का सामना आपको एक मंदिर बनाने में करना पड़ता है? मंदिर बनाने में कोई परेशानी नहीं रहती। हाँ, स्टार्टिंग में इनकी परेशानी रहती है, जब तक इसकी जो फ्रेम है नीचे वाली तब तक ना बने तब तक इसमें थोड़ी परेशानी। जब तक फ्रेम इसका तैयार ना हो अपने माइंड में, लोगों के साथ बातचीत करके कि भाई कैसा फ्रेम, ये तो लोगों के अनुसार होता है भाई कैसे मंदिर बनाना। जब तक इसका जो पूरा फ्रेम तैयार ना हो कि भाई कैसे बनाना, तो फिर जब फ्रेम बन गया एक बार तो फिर हम लोगों का मत बहुत जरूरी है, मतलब क्योंकि जिस क्षेत्र में आप मंदिर बना रहे हैं वहाँ के लोगों का मत बहुत जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी। सर, कितने साल में आपने इस मंदिर का निर्माण का कार्य सीखा? इसका काम मैंने, मंदिर का काम 2010 में, यानी कि मतलब 17 साल की उम्र में सीखा। तो अब मैं इतना सीख गया हूँ कि भाई एक मंदिर मैं अकेला तैयार कर सकता। संसार चंद भारद्वाज जी देव शिल्पी के रूप से जाने जाते हैं। इन्होंने हिमाचल में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी ऐसे मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं। अगर आप सारांश जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, पर क्या हुआ है? मैं सुना रही हूँ कोई माता की गीत आपने पूर्वज की, एक हमारे पूर्वज है ना, एक नबी ओ तेरा मंदिर नगर दाली दिनिया पानी सेरी अपनी तेरी गंगे रम प जरिया दारी दिनिया पानी जरी। ये कुछ पुराने मोर हैं, कुछ नए मोर हैं, इनको ये जो मोरे हैं ये चारों तरफ हैं। ये चारों तरफ इसलिए कि मतलब बोलते हैं कि हमारे जो प्रभु हैं इनकी कृपा दृष्टि चारों तरफ रहनी चाहिए। सबसे ऊपर शिव होती है, इसको हमारे शिव बोलते हैं, जो टॉप पे हैं इसको छूना निषेध होता है हमारे, इसको सिर्फ पुजारी छू सकता है। और इसके नीचे हमारे जो ये मंडप आता है, ये बीच का पोर्शन ही हमारा मंडप है। इसके नीचे हमारे मंडियाली आती है, इसको मंडियाली बोलती है, जो इसको मंडियाली बोलते हैं, ये माता का छत्र है। हाँ जी, ये जो है इसको बोलते हैं चरणी, चरणी हमारी भाषा में चरणी बोलते हैं। ये छत्र है ना, मंदिर था ना, पुराना मंदिर भी इसी जगह पे था। पुराना मंदिर इससे पहले अधिकांश गांव में त्यौहार देवी देवता की पूजा के इर्द गिर्द घूमते हैं। इस तरह की पूजा में देवी देवताओं की पालकी को ले जाया जाता है और कुछ इसी तरह की एक बड़े उत्सव के लिए माता अंबिका की डोली को तैयार किया जा रहा है। कौन सा ये बड़ा महोत्सव, वो आपको आने वाली वीडियो में पता लगेगा। फिलहाल माता अंबिका की डोली
जो भक्तों के दर्शन के लिए बाहर रखी गई है। भगवती माता के मंदिर से डोली निकल चुकी है अपने गंतव्य मंडी के लिए, और जब हम इन खेतों श्रेणीदार खेतों से होते हुए निकल रहे थे तो हम इस सेब के बगीचों तक पहुंचे हैं। सेब जो कि हिमाचल का एक मुख्य फ्रूट और जो कि यहाँ की लोगों की आर्थिकी का एक मुख्य साधन भी है। आपका नाम क्या है? नाम? हाँ, रेगमा। ये पहना क्या है आपने? पट्टू। जब माता की डोली चलती है तो उसे यहाँ हिमाचल में रथ यात्रा बोलते हैं, और माता की पालकी के साथ एक पूरा कारवां यात्रा करता है जिसमें छड़ीधर, भंडारी, पुजारी, भजंती यानी कि संगीतकार आदि होते हैं। तो जो भी लोग माता के साथ यात्रा करते हैं, उनकी पालकी के साथ चलते हैं, तो उन्हें देवड़ू कहा जाता है। नारायण बाण और माँ देवी अंबिका की रथ यात्रा की कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे यानी पूरन सिंह को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे मंडी में। टिल देन बाय बाय। जय हिंद, जय हिमाचल।